जी, मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, पक्का से अभी देखती हूँ, बताती हूँ। क्यों ऐसे मुझे? हाँ, क्यों ऐसे? वो मेरे घर के दो तीन घर छोड़ के ना कोई हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई। हम किसी को भेज सकते हैं क्या अभी? कोई रिलेटिव ने? रिलेटिव तो नहीं है, बट छोड़ो ना सिमर जी, अपन शो वाल कंसंट्रेट कर लिया ना, क्योंकि शो बहुत जरूरी है। अपन शो कर लिए पहला, बाद देख लेंगे। पक्का कोशिश नहीं कर सकते? कोई खास हो बता, देखियो उन दो कार छड़ के छोड़ो, अपन की लड़ा किसे तो। चलो, मैंने कहा मुझे, उसने कहा उससे क्या। मुझे उससे और उससे मुझसे क्या। मैंने कहा मुझे क्या, उसने कहा उससे क्या, मुझे उससे और उसे मुझसे क्या। सबका अपना अपना रास्ता, सबका अपना अपना रास्ता, अपनी अपनी राह। इसी सोच ने तो इंसान को, इसी सोच ने तो इंसान को दूसरे इंसान से कर दिया है एकदम बेपरवाह। इतना बेपरवाह कि अभी कोई इक्का दुक्का किसी की फिक्र करता हुआ भी दिख जाए तो वो करता है बहुत हैरान। तो फिर अगर कोई किसी को ये भी समझाए, फिक्र करता नजर आए, थोड़ा सा समझाए, तो फिर अपने ही उसको क्या कहते हैं, अपने उसको छोड़ो, यही कह देती हूँ। अपने ही उसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या अभी किसी ने कहा, अभी किसी ने ये कहा कि सिमर ऐसे थोड़े ना होता है कि सभी हो जाएं बेपरवाह। ये तो होता है हर उम्र का अपना अपना पड़ाव, और अपने अपने पड़ाव में, हर उम्र के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग ताव, हर उम्र के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग ताव, और उम्र के हिसाब से ही इंसान लगाता है दाव। दाव का तो पता नहीं, दाव का तो पता नहीं, पर जहां तक बात है ताव की, तो उम्र के हिसाब से ही इंसान के ताव लगाने की बात बड़ी फिट बैठती है। तभी तो बढ़ती उम्र में ताव बड़े अनफिट बैठते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल ने थोड़े। क्या लेक्चर दे रही थी मैं, ऐसा लगा क्या? क्या लगा क्या सिमर? हाँ, हमने तो उम्र गुजार दी, अब तुम बताओगी उम्र के ताओ भाओ और ताओ। मैं कहाँ बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में तजुर्बे से पास आकर के बैठते हैं उन्हें आपसे शेयर किए जा रही हूँ। आप भी क्या कीजिए, आप भी तजुर्बे शेयर किया कीजिए, तभी तो पता चले कि ये जो अपनी सी दुनिया थी जहां लोग दूसरों का भी फिक्र करते थे, अब उस फिक्र से किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों अब ये फिक्र जो है किसी के लिए भी दूर जा करके खड़ा हो उठा है। बस यूं ही सब अपने अपने राह, अपने अपने रास्ते, अपने अपने राह, अपनी अपनी दुनिया। जब ये सब की अपनी अपनी दुनिया है, तो क्या ये दुनिया खूबसूरत हो पाएगी? क्या ये दुनिया जो अपनी अपनी राह और अपने अपने रास्ते पर चल रही है, उस दुनिया में क्या किसी की भी जिंदगी फुल ऑन हो पाएगी? जरा बताइएगा जरूर मुझे, जरूर शेयर किया कीजिए ऐसी बातें। शेयर एंड केयर ही तो है ये जिंदगी फुल ऑन। मेरा मानना है कि ये जिंदगी फुल ऑन क्या है, कब होगी जिंदगी फुल ऑन? थोड़ा सा शेयर, और शेयर करने के बाद केयर, बस यही तो है जिंदगी फुल ऑन। और जब बात शेयर
और केयर की हो तो फिर बात किस भाषा में की जाए ये मायने थोड़े ना रखती है। ए मायने थोड़े ना रख दे रहे हैं, मायने तो ए रख दे है कि शेयर की थी या केयर की थी, या फिर बिना केयर किते किसी ने किसी का शेयर भी ले लिया, ये मायने रखता है क्या? हमारे लिए मायने कब कहाँ क्या रखता है, ये मायने रखता है क्या? ये जो अपनी अपनी राह और अपना अपना रास्ता है, एक ही राह पर ढेरों रास्ते बन रहे हैं, तो फिर क्या कभी हम ऐसे हो पाएंगे? या फिर मैनू की तो तैनू की तो सानू की, ऐसे ही जिंदगी को जीते जाएंगे। जब अगर ऐसे ही जिंदगी को जीते जाएंगे तो फिर ये जिंदगी फुल ऑन कैसे कहलाएगी? अभी अभी मुझे ये कह रहे थे, मैडम टीचर से हो जाते हो गई हमारा। मैंने कहा कहाँ टीचर हो जाती हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ही बने रहना चाहती हूँ। ये जो मेरे सामने इतने तजुर्बे वाले लोग बैठे हैं, पार की नज़रों वाले लोग बैठे हैं, जिन्होंने उम्र का एक पड़ाव भी शायद गुजारा होगा, साथ की उम्र के भी हों, शायद मुझसे छोटी उम्र के भी हों, लेकिन फिर भी मैं आप सब के सामने सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, जो आपकी बातों से और उसके साथ साथ आपकी पसंद से मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ। तो फिर देखते हैं कि आज मैंने क्या सीखा, दिखाऊं क्या कि मैंने क्या सीखा? ये ज़रा पहले मैं अपनी मैजिक सी स्क्रीन लाना चाहती हूँ, आई क्या? फिर देखें तो ज़रा आज मैंने क्या सीखा। ये देखो ये बच्चे हैं, कैसे स्कूटी चला रहे, करो पूछ के भी नहीं लेके आए होने, आधे तो ज्यादा तो अच्छा नहीं नहीं कई बच्चे जिद भी बोलते वही बात है। एक मिनट, चल जल्दी 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 को जल्दी उतर, देख उसको लगी तो नहीं भैया, लगी है मैम? नहीं लगी है, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ ठीक हो ना, थोड़ा ध्यान से चल लो भैया, ठीक है? उनको तो क्या कहें, आप ध्यान से चल लो, ठीक है? गौतम इनको पकड़ जरा, चल ना इनको पकड़ो थोड़ा। हाँ मैडम लेट हो रहा है जी। कोई बात नहीं, चल। इनको ना कोई अभी उसको लग जाती तो कोई देखने वाला नहीं उसको। हाँ हॉर्न मार इनको, रुको एक मिनट रुको, लगा गाड़ी लगा, एक मिनट, कितने जाना है? मार्केट जा रहे हैं, है? थोनू पता नहीं लग गया हो, तुम मुंडे नु मार के निकले हो, थोड़ा गिर गया, तुसी रुके भी नहीं होते, पढ़ते है स्कूल, थोनू पता ही होगा ना भाई, अलाउड नहीं है इस तरह। लाइसेंस
तो फिर मैं तुहानू पूछ रही हां ना की सीख रहे सी इस तरह बाइक सीखी जाती है सीखने लई रोड नहीं इस तरह होंदी चलदी रोड ते नहीं सीखते होंगे ओदे भी सीखण दे भी रूल्स ने ना मार्केट चले समान लेके आना सी बेटा नहीं मार्केट चले समान लेके पेरेंट्स ने क्या मार्केट जाके सब उन्होंने आप ही कहंदे बच्चे क्यों पेरेंट्स नु भी नाल बदनाम करदे हो घर पे है ही नहीं कोई हां वही तो मैं कह रही हूं घर पे है ही नहीं कोई चाबी उठाई चल दिए आंटी जी सीता होता है मार्केट चले हां जी वही इतने चाबी जानते हो के टाइम वेस्ट होता थोड़ा है जेड़े ओ बच्चे न असि आप दा काम करिए हैं सारे थानू मतलब सानू कोई परवाह ना होवे है ना थानू कोई रोके भी ना इस तरह आंटी जी थाने आपा होके भी आ जाना सी काम तो की काम करना सीगा की छट गया थोड़ा आंटी जी सामान कर दे ना मंगाया तुसी अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो साडे नहीं मैं तो करना टाइम वेस्ट क्योंकि रूल है ना अलाउड नहीं हैगा ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਰੁਕ ਰੱਖਾ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਰ ਕਈ ਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੌਤਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ चलो मैं पुलिस नहीं है सिटीजन तो है ना ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੂਚ ਗਿਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਹੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਗੌਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਬੋਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਖਾਣਾ ਦੋ ਤਿਆਰ ਮਤਲਬ ਦਾਦੂ ਸੇ ਆਪ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਗਵਾਓਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੇ ਆਪ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਗਵਾਓਗੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਂ ਬਸ ਜਾਏ ਤਫਰੀ ਮਾਰੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਆਉਂ ਜਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂ ਜਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਉਹ ਦਾਦੂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਆ ਕਾਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਬਾਈਕ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ ਹੈਲਮਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਬਸ ਮੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਨੇ ਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਘਰ ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਮੱਲੇ ਚ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਨੈਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ 16 ਗਲਤੀ ਮਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਗੱਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅੜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਸਰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
आप रुके भी नहीं ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਗੱਬੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪ ਹੋਣੀ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੌਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ बच्चों की जिंदगी पे अगर बात आ जाए किसी और की जिंदगी की परवाह नहीं बच्चे तो वही जिंदगी समझेंगे जो आप उनको समझाओगे इतने बच्चे तो नहीं है अपने आप भी तो कुछ समझते ही है सारा कुछ वो अपने आप ही समझेंगे सारा कुछ अपने आप समझेंगे अगर समझ वैसे ही समझते जाएंगे जब वो यही समझेंगे जो आप समझा रहे हो उनको कि गलत ही सही है आंटी जी जेड़े हुन ठीक है जो गलत ही सही है बुजुर्ग मैं नहीं बहस करनी बुजुर्ग एक्सपीरियंस ज्यादा है लाइफ का ठीक है मैं नहीं बहस करनी मैं बुजुर्गों नाल वैसे भी नहीं करनी की मैं मेरा ये मानना है कि बुजुर्गों दी हर गल सिर मत्थे ते हुंदी है पर जेड़ी है तुसी ये गल कीती ना वो मैनू एक मतलब अंदर ही अंदर ना वो कर रही है कि हर इंसान मतलब जे बुजुर्ग है गया तो उन्हां दी डबल रिस्पांसिबिलिटी मैडम अगर मेरी गल सुनो बच्चे नु करे थप्पड़ मार दो ना ते उनू कहो बाद च पानी दा गिलास दे तो कहंदा जी आपे ही ले लै भाई पानी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲਟੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਡਮ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਚਲ ਗੌਤਮ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਐਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾਤੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਨੇ ਵਾਲਾ मुझे ना उन बच्चों से ज्यादा ना बुजुर्ग का लग रहा है कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं एक मिनट हमारी मीटिंग कितने बजे की थी गौतम मैम बहुत लेट हो चुके हैं काम बहुत ज्यादा जरूरी था मैम लेकिन गौतम ये भी काम जरूरी है लेकिन इसको जरूरी कोई आजकल समझ नहीं रहा है ना कोई बात नहीं अभी हम ठीक है ना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे ठीक है ना कोई बात नहीं बच्चे धीरे धीरे समझ जाएंगे लेकिन जो बड़े हो गए वो कैसे समझेंगे हाँ किस तरीके से वो बहस कर रहे थे मैं तो हैरान था देख के चलो क्या पता उनकी भी कोई मजबूरी हो क्या कह सकते हैं पर क्या मजबूरी हो सकती है कि बच्चों को इस तरीके की वो शिक्षा दे रहे हैं अरे पता क्या गौतम हम ये समझ रहे हैं कि वो क्या पता बच्चे घर में नहीं उनके सुनते हो अब वो क्या कहें अपने मुँह से कि नहीं सुनते है ना वो भी अजीब चलो आप एक मिनट कॉल करो और देखो कि दोबारा टाइम मिल सकता है क्या पता साइड पे लगाओ और पता ठीक है क्या सीखा मैंने सोच में थी बहुत ज्यादा खाली मैं ही नहीं पूरी हमारी टीम कि हम कहाँ क्या किससे सीख रहे हैं और कहाँ क्या किसको सीख दे रहे हैं खैर सीरियस हो गया क्या सीरियस करना तो नहीं चाहती मैं जिंदगी फुल ऑन है हाँ उसको छोटे 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 तजुर्बों से और जो आसपास घट रहा है उन घटनाओं को जो अगर कहीं पर घट करके इंसानियत के रुतबे को घट कर रही हैं तो उन घटनाओं को कैसे हम घटा सकते हैं ये सोचने की बात है हा? क्या था मैंने कहा मुझे क्या
उसने कहा उसे क्या, मुझे उससे क्या, उसे मुझसे क्या, लेकिन मुझे आपसे डेफिनेटली, आप व्यूअर्स हैं, आपका थॉट चाहिए कि आप क्या सोचते हैं. मैं गलत थी, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकती है, या फिर वो बच्चे थोड़े से ज़्यादा गलत थे, या फिर वो बुज़ुर्ग जो शायद जानते थे कि गलत है लेकिन कह नहीं पा रहे थे. तो फिर मैं आपके अपने अपने तजुर्बों के हिसाब से मैं अब सीखना चाहती हूँ कि मैं गलत थी या फिर वो बच्चे कुछ नादान थे, या फिर जो बड़े थे वो छोड़िए ना. एक्चुअली क्या है ना, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ जैसी जो जिम्मेवारी लगी होती है तो उस जिम्मेवारी से उम्मीद भी बड़ी होती है. अब अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं कोई पुलिस थोड़े ना हूं, मैं क्यों टोकूं, तो फिर जो मेरी एक इंसान होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने कहां निभाई, वो तो मैंने नहीं निभाई ना. तो जिम्मेवारी उम्र के किसी भी पड़ाव में जो भी लगे वो हमें उसी रुतबे के साथ, उसी जिम्मेवारी के साथ निभानी जरूरी है. बस वक्त पर निभानी भी जरूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या उम्र है, बल्कि उम्र है तो तजुर्बा भी है. तजुर्बा है ये बताना जरूरी है, जरिया तरीका अलग अलग ढूंढ लीजिए, वो जमाने के हिसाब से ढूंढ लीजिए. तो बात जमाने के हिसाब से पहुंच जाएगी और जमाने के हिसाब से जिंदगी फुल ऑन हो जाएगी, है. तो फिर जिंदगी फुल ऑन अभी ये कह रही है कि मैडम सिमरजोत अभी अभी टाइम हो गया ना, अब चलो यहीं जमकर बैठ जाओगी क्या, अब जाओगी तो कल आओगी, अब जाओ अपना काम करो, अभी तो तुम जिम्मेवारी की बात कर रही थी, तो फिर जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ. बस आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय.